जरा बताएंगे आप ये आज का जो प्रोग्राम है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज के प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है सहारनपुर वासियों को एक चिर परिचित उनकी एक डिमांड थी। सहारनपुर में कोई भी ऐसी एम्बुलेंस नहीं थी कि जब यहाँ पर बहुत गंभीर अवस्था में जब पेशेंट को डॉक्टर्स यहाँ रेफर करते हैं बाहर के लिए तो यहाँ पर बाहर ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं थी। बाहर से जब कोई बढ़िया अच्छी एम्बुलेंस बुलाई जाती थी तो तब तक पेशेंट का जो एक गोल्डन पीरियड होता है बचने का वो निकल जाता था, 4 से 6 घंटे लग जाते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने इस बात संकल्प लिया है कि सहारनपुर वासियों के लिए एक आईसीयू में जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं से युक्त एक वेंटिलेटर वैन जिसमें तमाम सुविधाएं ऑक्सीजन वेंटिलेटर आईसीयू और उसके अलावा चेस्ट एक्सरे एवरीथिंग जो जो संभव आईसीयू में होता है वो सारी सुविधाओं से लेस इंक्लूडिंग डॉक्टर और अटेंडेंट एक एम्बुलेंस सहारनपुर के लिए हम आज के दिन यहाँ पर समर्पित कर रहे हैं। और इस एम्बुलेंस का उद्देश्य साथ साथ ये भी है कि लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कम पैसे में जब कोई रेफर कर दिया जाता है देहरादून या दिल्ली या चंडीगढ़ के तो उस पेशेंट को हम 24 आवर्स 7 दिन 24 घंटे इस समय भी उन्हें डिमांड होगी उस समय ये अवेलेबल होगा हाफ प्राइस पे ये सहारनपुर वासियों को उपलब्ध होगी। इसके लिए ये फंड रेजिंग प्रोग्राम के लिए कार्यक्रम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने लिखा क्योंकि ये काफी कॉस्टली वैन है पर वक्त की जरूरत और समय की डिमांड थी कि कोई ना कोई व्यक्ति आगे बढ़ के इस काम को करे। जब राजनीतिक पार्टियां और दूसरे लोग इस बात के लिए तत्पर नहीं थे तब इस व्यापार मंडल ने इस पीड़े को उठाया और आप सबके सहयोग से सहारनपुर की जनता के सहयोग से आज हमें बहुत ही खुशी है कि आज ये एम्बुलेंस ये आईसीयू वैन हम सहारनपुर के लोगों को समर्पित कर रहे हैं और निश्चित तौर से आने वाले समय में हम बहुत से पेशेंट्स को बहुत सारे बच्चों को माता पिताओं को भाइयों को उनके परिवार के लोगों को इस एम्बुलेंस वैन के माध्यम से बचाने में हम सक्षम होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। गौतम शंकर सिंह।